भारतीय सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बीजेपी डूबती हुई नैया है, कौन इस पर सवार होने जा रहा है। जब वोट लेना होता है तो पिछड़े और दलित इनको याद आते हैं, जब सरकार बन जाती है तो उनको किनारे लगा देते हैं। बीजेपी नहीं रह गई है, इसका तीन नाम है, भारतीय झूठ पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी और भारतीय जुगाड़ पार्टी। यह जुगाड़ पर चलते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि देश पर गुजरातियों का कब्जा हो गया है। यूपी के राज्यपाल गुजराती, सीबीआई चीफ गुजराती, ईडी के चीफ गुजराती, आरबीआई का चीफ गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, एके शर्मा गुजराती, देश का पैसा लेकर भागने वाले गुजराती, कॉरपोरेट घराने गुजराती और बेचने वाले गुजराती और खरीदने वाले गुजराती, इस तरह के गंभीर आरोप ओम प्रकाश राजभर ने लगाए हैं। बीजेपी डूबती हुई नैया है, कौन इन पे सवार होने जा रहा है। जब वोट लेना होता है इनको तो ये पिछड़े दलित इनको याद आते हैं, जब सरकार बन जाती है तो इनको किनारे लगा देते हैं, इनका हिस्सा लूटते हैं। बादा में कृषि विभाग में भर्ती हुई है 13 लोगों की, 27% रिजर्वेशन और 21.5% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का रिजर्वेशन नहीं लागू हुआ। 13 में 11 ठाकुरों की भर्ती हो गई और 69,000 शिक्षक भर्ती में 5,844 पद योगी जी ने लूट लिया। 68,500 की भर्ती में 2,200 पद 27% हिसाब से होता है उसको लूट लिया योगी जी ने। 12,460 जो शिक्षक भर्ती में योगी जी ने लूट लिया। जब पिछड़ों को छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति देने की बात आती है तब इनके पास पैसा नहीं रहता है और वोट लेने के लिए अब ये पिछड़ों की गोल सजा रहे हैं। तो ये पिछड़े जितने भी पिछड़े समाज के ये लोडर पैदा कर रहे हैं अपनी पार्टी में बीजेपी के लोग, ये लोडर कुछ अब नहीं कर पाएंगे, अब ये दगे हुए कारतूस हो गए हैं। ये बीजेपी भाजपा नहीं रह गई है, अब ये बीजेपी इसका तीन नाम हो गया है, जहां इसका इस्तेमाल कर लीजिए, भारतीय झूठ पार्टी। देश के प्रधानमंत्री का मैं वीडियो भी आपको सुनवा दूं, ये कैसे कैसे झूठ बोलते हैं, सिखाते हैं लोगों को। ये भारतीय जुमला पार्टी, इनके गृह मंत्री अमित शाह जी 15 लाख जब खाते में देने का वादा किया था तो आप ही लोगों के चैनल पे इन्होंने बोला है कि हमने जुमला बोला था वोट लेने के लिए। ये दलित पिछड़े बेबुद्धि के हैं, इनको ज्ञान नहीं है, ये जुमला, तो इस नाते भारतीय जुमला पार्टी कहते हैं। और ये बीजेपी भारतीय जुगाड़ू पार्टी है, ये जुगाड़ पे चलते हैं। कौन सी फैक्ट्री है इनके पास, ये लोग देश को लूट के लेके भाग जाएंगे। पूरे देश पर गुजरातियों का कब्जा, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल गुजराती, ईडी का चीफ गुजराती, सीबीआई का चीफ गुजराती, सुप्रीम कोर्ट का जज चीफ गुजराती, आरबीआई का चीफ गुजराती, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री तीनों के गुजराती, उसके बाद कारपोरेट घराने के सब गुजराती, देश का पैसा लेके भागने वाले सबके सब गुजराती, देश की संपत्ति खरीदने वाले जो मोदी जी कहते थे ना, देश बिकने नहीं दूंगा मैं, इस देश को बिकने नहीं दूंगा, और कर क्या दिया, गुजरातियों को बेच रहे हैं, रेल बेच दिया, जहाज बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, सारी चीज तो गुजरातियों को बेच रहे हैं, बेचने वाले गुजराती, खरीदने वाले गुजराती हैं। तो ऐसी स्थिति में भैया ये गुजराती पूरे देश को बेच करके मोदी जी कहे हैं कि हम झोला लेके चल देंगे, तो चले जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे। इस नाते यूपी के लोगों को तो हम आगाह करते हैं, इनसे सावधान रहिए। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।